तो और भाई क्या हाल चल यार, सब एकदम होंगे वर्स्ट क्लास। सो भाई आज की इस वीडियो पर मैं आप लोगों को पिक्सल लैब का 5 ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों को पता होगा पर जिनको पता ही है उनके लिए ये वीडियो है। सो वीडियो बहुत ही ज्यादा छोटा होगा और ये जो टिप्स है ये आपका काफी काम कर सकता है एडिटिंग के टाइम। सो वीडियो लास्ट तक देखते रहना और कौन सा आपको टिप्स सबसे ज्यादा पसंद आता है भाई कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो थोड़ा और इंटरेस्टिंग लाने की कोशिश करूंगा। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स बिगिन। ऑलराइट, तो भाई यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला टिप्स नंबर 1 है वो ये है कि भाई प्रोजेक्ट फाइल कैसे क्रिएट करना हो। सो ये काम आपका काफी हेल्प कर सकता है जब आप थोड़ा जल्दी में हो। सो मेनली यहाँ पर मैं थोड़ा आपको एडिट करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर 2-3 लेयर ऐड किया है। सो अब मान लो मुझे कहीं जाना है या फिर थोड़ा जल्दी है, सो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसे एक प्रोजेक्ट फाइल क्रिएट करके रख दूंगा। यहाँ पर सिंपली सेव एज प्रोजेक्ट पर जाके यहाँ से इसका नाम कुछ भी दे दूंगा, लाइक डेमो 1 या फिर 2 ऐसे डेमो के लिए, ठीक है। सो मैं यहाँ से इसे डेमो 1 रख देता हूँ। अब मान लो गाइस आपका कोई थंबनेल क्रिएट करते हो और वो थंबनेल आपको काफी पसंद आता है, सो इसे आप सेव करके रख सकते हो। फीचर किसी दूसरे थंबनेल क्रिएट करते टाइम इसे इस तरह से यूज कर सकते हो। सो मान लो मैं यहाँ से पिक्सल लैब एग्जिट कर देता हूँ और दोबारा से यहाँ पर मैं पिक्सल लैब पर जाता हूँ, तो भाई यहाँ पर 3 डॉट पर ऊपर क्लिक करोगे राइट पर, क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे आपको मिल जाएगा open.plp फाइल। यहाँ पर जाने के बाद ऊपर आपको अपना डेमो जो फाइल आपने सेव किया था या फिर आपका थंबनेल हो जैसे आपने सेव किया था भाई वैसा फाइल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमारा टिप्स नंबर 2 है गाइस मर्ज लेयर। मैंने काफी दिन पहले इसके बारे में एक बार बताया था, सो जिन्होंने नहीं देखा ये वीडियो देख लो, पता चल जाएगा। यहाँ पर आप 2 लेयर 3 लेयर जितना भी लेयर हो आप एक साथ मर्ज कर सकते हो। लाइक यहाँ पर देख सकते हो एक स्क्रीनशॉट और एक यहाँ पर मैंने PNG ऐड किया है, ठीक है। सो अब यहाँ पर क्या करूंगा, नीचे यहाँ पर क्लिक करना है, दोनों लेयर को सिलेक्ट करना है, बीच में क्लिक करके यहाँ से आपको इसे मर्ज कर देना है, ठीक है। अब करने से क्या होगा कि भाई अगर आप चाहो तो भाई इसे 3D में रोटेट कर सकते हो, जो भी करना चाहो भाई इजिली कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप चाहो तो भाई इसे एकदम एक्यूरेटली आप इसे क्रॉप कर सकते हो, तो किसी भी एंगल पर एकदम एक्यूरेटली होगा, ठीक है। ऑलराइट, तो भाई अब चलते हैं हमारे टिप्स नंबर 3 की तरफ, जो है टेक्स्ट कलर ग्रेडिंग। अगर आप किसी टेक्स्ट को अपने हिसाब से आप जैसा कलर ग्रेड करना चाहते हो वैसे अगर आप करना चाहते हो तो भाई इजीली कर सकते हो। जैसे कि मान लो यहाँ पर मैंने अपना नाम लिखा चैनल का और यहाँ पर मैं फॉन्ट पर जाता हूँ, माई फॉन्ट से कोई सा भी एक अच्छा फॉन्ट ले लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ से ये पॉपिंस वाला फॉन्ट ले लेता हूँ, ठीक है। सो फॉन्ट सिलेक्ट करने के बाद अगर आप चाहो, सो फॉन्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप एक्जैक्टली वैसे ही कलर ग्रेड कर सकते हो जैसे आप चाहो। उसके लिए आपके पास एक सैंपल कलर होना जरूरी है। वैसे तो यहाँ पर पिक्सल लैब की तरफ से आता है कलर, यहाँ पर आप देख सकते हो येलो व्हाइट जो भी हो सॉलिड कलर मिलता है और साथ ही साथ यहाँ पर आपको ग्रेडियंट भी मिल जाता है। पर अगर आप बाहर से कोई फॉन्ट या फिर बाहर से कोई कलर ऐड करना चाहते हो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको टेक्सचर पे जाना होगा, ठीक है। टेक्सचर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका अपना फोटो सेक्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको अपना वही फोटो ऐड करना है जो फोटो या फिर जो कलर आप अपने टेक्स्ट के ऊपर ऐड करना चाहते हो। जैसे कि मान लो मैं इसे ऐड करना चाहता हूँ, सो सिंपली यहाँ पर क्या करूंगा इसे सिलेक्ट करूंगा। सो जैसे कि सिलेक्ट करते ही देख सकते हो ये हमारे टेक्स्ट के ऊपर ऐड हो चुका है। उसके बाद अगर आप चाहो तो भाई इसे इस तरह से कस्टमाइज भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह से आपके पास जो भी कलर है गाइस उसे अलग से कुछ इस तरह से अप्लाई कर सकते हो अपने टेक्स्ट के ऊपर बहुत ही आसानी से। सो भाई अब चलते हैं हमारे टिप्स नंबर 4 की तरफ और यहाँ पर टिप्स नंबर 4 पर है कस्टमाइज एनी टेक्स्ट। सो जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपने चैनल का नाम और यहाँ पर मेरे पास एक फॉन्ट भी है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कलर पर चलता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर येलो कलर दिया है। अब मान लो येलो कलर तो पूरा टेक्स्ट में आ गया, पर आप चाहते हो कि भाई आपका टेक्स्ट का जो अलग अलग फॉन्ट है वो अलग अलग कलर का हो, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं चाहता हूँ क्रिएटर्स अलग कलर हो, सो यहाँ से नीचे सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करके आप इजीली आप उसे अलग कलर दे सकते हो, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ से मैं रेड कलर देता हूँ या फिर मान लो व्हाइट कलर, जो भी कलर आप देना चाहते हो भाई कुछ इस तरह से सिलेक्ट करके आप दे सकते हो। सो भाई सेम चीज यहाँ पर आप फॉन्ट पे भी कर सकते हो, आप उसे सिलेक्ट करके अलग अलग फॉन्ट दे सकते हो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके साथ साथ अगर आप चाहो तो भाई स्टाइल में भी सेम कर सकते हो, सिलेक्ट करके अगर आप चाहो तो भाई बोल्ड दे सकते हो या फिर नीचे लाइन वगैरह ड्रॉ कर सकते हो। सो भाई अब चलते हैं हमारे टिप्स नंबर 5 की तरफ और यहाँ पर हमारा लास्ट टिप्स है। सो सिंपली यहाँ पर मैं फ्रॉम गैलरी से कोई सा भी एक फोटो ले लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है गेम प्ले का, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज करके दिखाता हूँ। सो गाइस अब यहाँ पर देखो हमारे पास जो गेम प्ले का स्क्रीनशॉट है, स्क्रीनशॉट से मैं यहाँ पर ये जो मैप है हमारा जो मैप रहता है उस मैप को यहाँ पर मैं इरेज करना चाहता हूँ, ठीक है। उसे मैं निकालना चाहता हूँ। वैसे तो आप कुछ इस तरह से भी इरेज कर सकते हो कुछ इस तरह से, लेकिन इसमें आप इतना एक्यूरेटली नहीं कर सकते और ये बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, ठीक है। लेकिन भाई अगर आप इस वाले ऑप्शन पर जाते हो और कुछ इस तरह से आपने मैप को करते हो, चाहे आप मैप ले लो या फिर आपका जो करेक्टर है उसको ले लो, जो भी आप जो भी चीज को आप यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहते हो या फिर इरेज करना चाहते हो उसे कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, ऊपर यहाँ पर क्लिक करोगे सो भाई एक ही क्लिक में देख सकते हो आपका सारा चीज यहाँ पर रिमूव हो जाएगा, या फिर अगर आप चाहो तो भाई अपना वही फोटो को रिमूव कर सकते हो, ठीक है। सो भाई ये प्रोसेस काफी सही है, यहाँ पर आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस आपको सिलेक्ट करना है और इजिली आप यहाँ पर आप किसी भी चीज को रिमूव कर सकते हो या फिर उसका बैकग्राउंड आप इजिली रिमूव कर सकते हो, ठीक है। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर मैप
को इरेज कर दिया और यहाँ पर मैं इसे इजीली एडिट भी कर सकता हूँ। सो होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मुझे पता है भाई वीडियो बहुत ही ज़्यादा छोटा था, नेक्स्ट वीडियो भाई थोड़ा और इंटरेस्टिंग लाने की कोशिश करूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।